हरियाणा दे इना दो किसान भावां ने मिसाल कायम कीती है। एक केसर दी खेती कर रहे ने जिस तो इना दी कमाई विच भी वाधा हो रहा है। 10 गज दे कमरे च किस तरीके नाल एक खेती हो रही है, किन्ना इस खेती च खर्चा आउंदा है, आओ जानदे हां इना किसानां दी जुबानी। सर, इसका आइडिया हमें आया है इंटरनेट से का मतलब कि जैसे भाई इसको पहले ही करना चाहता था, छोटा भाई मेरा जो प्रवीण सिंधु है, तो उसने मुझे कई बार कहा था कि भाई हमें केसर करना चाहिए केसर। तो मैंने उसको कहा भाई ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कि दो तीन तीन एक साल पहले हमारे सामने एक वीडियो आई ईरान की, जहाँ पे हमने देखा कि ईरान के अंदर इस पद्धति के थ्रू इसको किया जा रहा है कई सालों से। तो हमने सोचा जब ईरान में ये हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। फिर हमने इंडिया में कश्मीर में भी जाके वहाँ जो लोकल अपने फार्मर्स थे उनसे हमने बात करी कि भाई ईरानी बीज अलग होता है और कश्मीरी अलग, इनमें क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की हमें जानकारी दी। जो वहाँ पे लोकल किसान थे उन्होंने हमें बताया कि भाई बीज सेम ही होता है, सिर्फ वो उसमें लैब में उगा रहे हैं और हम इसको ज़मीन से कर रहे हैं और हमारा बहुत पुराना और सबसे बेस्ट है, ये उन्होंने हमें बताया। सर, इसमें आप एक 10x10 के एरिया से भी शुरू कर सकते हो, शुरुआती आप 100 किलो बीज से भी कर सकते हो, उसमें आपको नाममात्र ही केसर मिलेगा, बिल्कुल कम क्वांटिटी में होगा। अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे बीज लेते हो, मतलब 1000 किलो से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो आपको करीबन 1 से लेके 2 किलो तक केसर मिल जाएगा, सक्सेसफुली इसमें आ जाता है। क्योंकि क्या है, जब हम इसे मिट्टी में उगाते हैं, मिट्टी में और ट्रे में उगाने का मतलब जो एयर लैब का अंदर है उसमें थोड़ा फर्क है। आप देखेंगे इसमें जैसे कार्म निकले हुए हैं, इसको हमने टाइम टू टाइम ऐसे तोड़ते रहना है क्योंकि ये इसकी एनर्जी खत्म कर देते हैं। जब हम इसकी ये करेंगे तो ये एक में से दो दो फूल भी निकल जाते हैं इसके बाद, क्योंकि कोई भी आप ये देखे जैसे ये है, अब जैसे इसने फ्लावरिंग दी, अब ये जो इसके साइड में लगे हुए हैं इसको टाइम टू टाइम हमें ऐसे तोड़ना होता है, जिससे क्या होगा कि ये बच्चे पैदा अभी नहीं करेंगे और ये कार्म है ना, जो ये सिर्फ अपना फ्लावरिंग में ही ध्यान देगा। अब ये क्या है, इसमें से जो ये निकला हुआ है एक, अगर हम इसको पहले तोड़ते हैं, जैसे काफ़ी सारों में दो दो निकले हुए हैं, तो ये दो दो फ्लावर होते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कोई मिट्टी नहीं है और कोई भी हम इसमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे, ये प्रॉपर एक ऑर्गेनिक तरीके से तैयार हो रहा है। टाइम टू टाइम इसको हमें जैसे ऐसे साफ़ करेंगे, जैसे ये है इसका बीज, ये देखिए आप, इसको हमने ऐसे क्लीन कर देना है ताकि इसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ फ्लावरिंग पे ही रहे और एक्स्ट्रा चीज़ों पे ना करे। ये एक ऐसा पौधा है, आप लगा लो कि अगर ये जब फ्लावरिंग देता है तो ये फ्लावरिंग देगा, जैसे ये फ्लावरिंग दे के ख़त्म कर देगा अपने सेकंड प्रोसेस पे आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कई सारे हैं ये, जैसे ये है हमारे, आपको अभी दिखाते हैं काफ़ी सारे जो अभी निकलने वाले हैं, जैसे ये है सर, जैसे ये लगा लें आप देखें, इसमें से हमने फ्लावर ले लिया है अपना जो भी फ्लावर था, इसमें से हम अपना फ्लावर निकाल चुके हैं, फ्लावर निकाल के इसको हमने साफ कर दिया। जैसे ये अभी अपने सेकंड प्रोसेस पे है, अब इसको हम मिट्टी में दबा देंगे, देख रहे हैं आप, ये फ्लावर जब निकल जाता है इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके अंदर बाद इसमें से घास निकलती है। घास निकलने का मतलब ये है कि अब ये अपने सेकंड प्रोसेस पे चल पड़ेगा, अब हम इसको मिट्टी में दबाएंगे, मिट्टी में दबाने के बाद ये अपने अगले प्रोसेस पे करेंगे, फिर उसी तरह इसको हम इतना इतना हिस्सा इसका हम मिट्टी में इसको दबा देंगे, उसके बाद ये अपना सेकंड प्रोसेस पे स्टार्ट हो जाएगा, जो इनका सेकंड प्रोसेस होगा नेचुरल तरीके से। सर, अभी क्या है कि अभी जैसे लोगों को पता लग रहा है, वैसे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं लैब को देखने के लिए, ठीक है जी। जिसको भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम उसको पूरी इन्फॉर्मेशन ओवर द फोन भी दे रहे हैं, और लैब आके जो देखना चाहते हैं उनको हम लैब भी दिखा रहे हैं, बट ये अभी सिर्फ 10 से 12 दिन के अंदर अंदर फ्लावरिंग खत्म होके इसको ग्राउंड में हम ले जाएंगे। इसको हार्वेस्ट अगर हमने करना है तो सूरज निकलने से पहले और रात शाम को सूरज निकलने के बाद, जैसे अब शाम का टाइम है हमारे पास, तो हम इसके फ्लावर को हार्वेस्ट करना बहुत ईजी है। आप इसको यहाँ से पकड़ें, आप देखें, ये हमने इसका फ्लावर तोड़ दिया, ये हमारे हाथ में है, इसको हमने क्या करना है, ऐसे यहाँ से पकड़ना है, इसको ऐसे निकाल देना है, ये तीन जो इसकी पत्तियाँ हैं केसर की जो अंदर, इसको एक साथ हमें बाहर निकालना है, तीनों की तीनों जो इसकी ये है ना, इसको हमने एक साथ बाहर निकालना है। इस फ्लावर को हम यहाँ रख देंगे अलग अपना, आप ये देखें तीनों की तीनों हमने इकट्ठी बाहर निकाल दी। निकालने के बाद जो इसका ये पीला पार्ट है इसको हम अलग कर देंगे। अभी आप देखें, ये देखें, ये हमारे पास केसर आ गया। अब क्या करेंगे हम, जो इसका ये नीचे का पार्ट है, जब इसको मोगरा बनाया जाता है तो जो ये नीचे का पार्ट है येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसको हम तोड़ देंगे,
ये अलग रखेंगे हम अपना हिस्सा और इसको अलग रखेंगे। ये अब आप देखें, ये प्रॉपर तरीके से ये केसर हमारे हाथ में, ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद इसका कुछ नहीं करना, हम इसको जाके सुखा के अपने डब्बियों में पैक कर देंगे। खर्चे की अगर बात की जाए तो सर जो इसका खर्चा आएगा लगभग हमारा, आप लगा के चलें 5 से 7 लाख रुपए स्टार्टिंग इसका आता है। 5 से 7 लाख रुपए में आप अच्छे लेवल पे काम शुरू कर सकते हैं अपना। सर इस विधि का नाम एरोफोनिक विधि है, इसमें हम मिस्ट की मदद से, टेम्परेचर और लाइट की मदद से हम किसी भी फसल को उगाते हैं। इससे पहले कई तरह की फसलें इसमें उगती थी और केसर में, केसर भी लकीली एरोफोनिक से ग्रो हो सकती है, आप देख सकते हैं। तो ये हमने इंडिया में अभी हमने केसर की जो खेती है एरोफोनिक से हमने की है हरियाणा हिसार में। सर इसमें हम लकड़ी के रैक्स का यूज़ करते हैं और कुछ सर्टेन टेम्परेचर है उस पर हम जब इसको रखते हैं, इसके पौधे को या इसके बीज को, तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है और जिससे कि उसमें बड़ी इजीली फ्लावरिंग आ जाती है। ट्रेडिशनल मेथड से सिर्फ कश्मीर में ही होती है, एरोफोनिक मेथड से हम इसको इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। ये हमने जी करीब मतलब ये देख रहे हैं आप, ये सारा बीज हमने केसर से कश्मीर से लेके आए हैं। अभी इसमें हम देखेंगे कि कितना उत्पादन होगा। अभी तक मतलब जो हार्वेस्टिंग है वो हमारी शुरू हुई है, पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि कितनी कितने अमाउंट में हम केसर यहाँ से निकाल पाएंगे। पिछले साल हमने करीब मतलब ये मान लीजिए जो हमारा वो था वो 7 से 8 लाख रुपए तक का हमारा मुनाफा हो गया था, तो करीबन उससे थोड़ा ज्यादा की इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा साल है सर इसको करते हुए। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी सोच नु सलाम। ओना कहा कि ए मौजूदा सरकार आम लोकां दी सरकार होवेगी। ए सरकार दे विच कोई ए नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साडी सरकार है, ए सरकार पंजाब दी लोकां दी है। सीएम चन्नी ने कहा किसी भी गरीब नु तंग परेशान नहीं कीता जावेगा। ਕੋਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਬੁੱਝਾਂ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੈਠੋ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ।